हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मैथ को हम पढ़ा रहे हैं। मैथ की वीडियो में जितने प्रश्न उतने प्रकार के हैं, और वीडियो को अंत तक देखिए, जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। आपकी परीक्षा में एक एक अंक का इजाफा करेगा। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार ग्राहक को 40% छूट देता है। ग्राहक को कितना दिया? 40% छूट दिया। मान लीजिए 100 का माल है, 40 छूट दिया, 60 में दे दिया, फिर भी 25% लाभ कमाता है। जो छूट दिया, छूट के बाद भी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यदि वस्तु की कीमत 432 रुपया दी है, यानी 432 रुपया जब वह दिया ग्राहक दुकानदार को, तो दुकानदार ने ग्राहक को 40% छूट पर 432 दिया, और जब 432 दिया तो उस 432 में दुकानदार 25% लाभ अर्जित किया है, तो उसका आंकिक मूल्य पूछ रहा है, यानी कितना मूल्य उसका अंकित किया था दुकानदार। देखिए, इसका सूत्र है EMP। EMP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, CP का मतलब कास्ट प्राइस होता है। EMP अब 100 प्लस प्रॉफिट कर दीजिए, CP 100 माइनस डिस्काउंट कर दीजिए। डिस्काउंट का मतलब छूट हो गया। EMP का मतलब EMP हमें ज्ञात करना है। EMP यहाँ 100 प्लस 25, CP 100 माइनस 40, ये डिस्काउंट दे रहा है। अब EMP हमें कितना दे रहा है? 125 बराबर CP, इसने दिया है 432 रुपया बटा 60, तिर्यक गुणा होगा आपस में। जब तिर्यक गुणा होगा तो देखिए, जब यहाँ तिर्यक गुणा होगा, 3 तिर्यक गुणा में MP बराबर 432 गुणे 125 बटे 60 हो जाएगा, बटे 60 हो जाएगा। अब देखिए, 60 से 5 से काट दीजिए, 5 से कटेंगे 12, 5 से 5 दूनी 10, 25। अब फिर 12 से काट दीजिए, 12 तियाई 36, 3 बार गई 7 आ गया 72, 12 छक 72 हो गया, 25 में 25 छक्का 150 हो गया, 15 शेष बचा है, 25 तियाँ 75, 15 90, यानी 900 आ गया। हम तो डायरेक्ट गुणा किए हैं, आप लोग अपने कॉपी पर करके देख लीजिएगा। 900 आ गया, तो हमें तीसरे विकल्प में 900 दिया हुआ है, इसलिए हमारा तीसरा विकल्प सही है। 900 रुपया वह अंकित किया है वस्तु का मूल्य, 900 में 40% छूट दिया है, 25% लाभ कमाया है, 432 रुपये में बेचा है। तो इस तरीके से 900 अगर लिखेगा वस्तु का मूल्य, तो 40% छूट देगा, 25% लाभ कमाएगा, 432 में बेचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, 400 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के ब्याज का अंतर डी पूछा है। तो इन दोनों के ब्याज का अंतर डी बराबर मूलधन गुणे आर का स्क्वायर है। अब देखिए, मूलधन हमारा क्या है? 400 है, आर का मतलब 5 है, 5/100 आर स्क्वायर है, 5/100, 000 से कट गए, और यह 5 से काट दिया तो 25 आ गया, 20 आ गया, 4 से काट दिया तो कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखिए,
यहाँ जो 4,000 यह है, 400 नहीं 4,000 है। अब देखिए अगर 400 पर लगाएंगे तो 1% आएगा, 4,000 पर लगाएंगे तो हमारा यह 5-5 से कट गया, 10 आएगा। 10 रुपए का अंतर होगा, कितने का होगा, 10 रुपए का अंतर होगा। तो यह डिफरेंट के लिए है, क्या है, पी मूलधन आर स्क्वायर। तो हमारा पी हम 400 पर लगाएं 1 आएगा, तो 1 हमारे विकल्प में नहीं है, तो 4,000 पर लगाइए, 4,000 लिखा भी वहाँ है, 4,000 पर 10 रुपये का अंतर है, विकल्प नंबर पहला 10 रुपये का अंतर है। इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। यहाँ डिफरेंस यानी अंतर बराबर ब्याजांतर बराबर मूलधन गुणे दर का स्क्वायर होता है। मूलधन 400 है तो 1 रुपया आएगा, मूलधन 4,000 है तो 10 रुपया आएगा। इस तरीके से हल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तो धन क्या है। सेम पिछला सवाल है, पिछले सवाल को पलट दिया है। उस बार क्या था, हमारा जो डिस्काउंट था यानी ब्याजांतर बराबर मूलधन आर स्क्वायर यही था। इसी सूत्र पर यह भी लगेगा, देखिए डिस्काउंट हमारा दे दिया है 15 रुपया है। यह प्रश्न का सूत्र जो है सिर्फ 2 वर्ष वाले प्रश्न पर ही यह सूत्र है, 3 वर्ष का देगा तो यह सूत्र बेकार है, मत लगाइएगा। अब देखिए पी हमें ज्ञात करना है, आर हमें दिया हुआ है, 10/100 गुणे 10/100, इस 10 का 10, इस 10 का 10 कट गया, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 1500 बराबर कितना हो गया, पी बराबर 1500। तो 1500 हमें किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर 3 में दिया है। तो इस तरीके से 1500 विकल्प नंबर 3 में हमारा उत्तर आ गया, जो पहला इसके पहले वाला सवाल था उसी सवाल के बेस पर उसी सूत्र पर यह भी लगा है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एक बाइक की वर्तमान कीमत 54,000 है, यदि इसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष की दर से हास का मतलब कम हो घटे, 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। तो देखिए जो यह है 54,000 इस समय वर्तमान में है, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य अगर ज्ञात करेंगे तो 2 वर्ष के लिए देखिए इस समय 54,000 है, पहले वर्ष में 25% अगर ह्रास हुआ तो बचा कितना, 75/100, फिर बचा कितना, 75/100, 2 वर्ष के लिए है। तो घटाएंगे काटेंगे, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, इस शून्य से काट दीजिए, बचा कितना है। अब इस बची हुई राशि को कैसे काटेंगे, ये देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, ये गलत कट गया है, यहाँ से यहाँ तक गलत कट गया है। देखिए पुनः 54,000 बराबर 75/100 गुणे 75/100, 25 से काट दीजिए, 25 तियाँ 25 चौके, इस 3 को इससे काट दीजिए, 18 हो जाएगा, इस 3 से इसको काट दीजिए, 6 हो जाएगा, यह 6,000 गुणे 4 चौके 16, 16 छका 96,000। यह जो ऊपर वाला सूत्र लग गया था वह हास के लिए नहीं था, प्लस के लिए था, यह हास के लिए सूत्र है। तो 54,000 बराबर पर लगाएंगे तो यह 96,000 रुपये 2 वर्ष पहले उसका मूल्य था, आज वर्तमान में उसका मूल्य 54,000 हो गया, घट करके 2 साल पहले 96,000, तो 96,000 विकल्प नंबर 2 में दिया है, विकल्प नंबर 2 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए
पांच क्रमागत संख्या का औसत 50 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, ये क्रम से है संख्याएं, इनका योग, इन्हीं सब संख्याओं का योग में 5 से भाग देंगे तो इनका 50 है। तो मध्य वाली संख्या 50 है तो यह 51 हो जाएगी, ये 52 हो जाएगी, इधर 49 हो जाएगी, इधर 48 हो जाएगी। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 52 है। 52 विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह सूत्र है, टोटल यानी कुल बराबर औसत गुणे संख्या, औसत 50 है, संख्या 5 है, 250 हो गया। तो 250 में हमें कुछ करना नहीं है, 250 में ये हमारा टोटल योग 250 आ गया। तो इसे हमें ज्ञात नहीं करना, 250 आया पांचों संख्याओं को जोड़ने पर, तो पांच संख्याएं हैं, 5 से भाग दे दीजिए, 50 आ गया। तो 50 मध्य वाली संख्या हो गई, यानी ये संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई। तो इसके पहले यानी मध्य संख्या 5 संख्या है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 है। तो 5 वाली संख्या में यानी तीसरी संख्या 50 है, चौथी 1 जुड़ के 51 हो जाएगी, पांचवी 2 जुड़ के 52 हो जाएगी, दूसरी 1 घट के 49 हो जाएगी, तीसरी 1 घट कर 48। हमें बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या तो 50 के बाद सबसे बड़ी संख्या 51 है, फिर उसके बाद बड़ी संख्या 52, 52 लास्ट है, तो ये 52 सबसे बड़ी संख्या है। हमारा उत्तर क्या होगा? 52 होगा। आज की वीडियो ही समाप्त होती है दोस्तों। एक सब्सक्राइब दान के रूप में ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब से आपके पैसे नहीं कटते हैं। धन्यवाद है।